और जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कम जानते हैं उनको सर सैयद को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में हुआ यह है कि जो लोग पाकिस्तान की मांग करते थे या पाकिस्तान बनाना चाहते थे वो तो यहाँ रह गए, वो तो यहीं मौजूद हैं, और बहुत से ऐसे लोग चले गए जिनको पता ही नहीं था। आप हामिद दलवई महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उनकी किताब है मुस्लिम इन सेकुलर इंडिया, उस किताब के पेज नंबर 23 पे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि सर सैयद वॉज द रियल आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिना वॉज द ओनली इम्प्लीमेंटर। लेकिन सर सैयद के बारे में कहा जाता है, मैं तो उसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब वहीं थे, वहीं से मैंने तालीम ली, लेकिन कहा जाता है कि सर सैयद तो ये कहते थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है और एक आंख उसकी हिंदू है, एक आंख उसकी मुसलमान है, अगर इसमें से कोई भी ख़राब होगी तो बड़ी बदसलूक लगेगी। लेकिन जिसने ये नरेटिव किया जब भारत आज़ाद हो गया, वो उससे पहले थॉट ये रखता था कि पाकिस्तान बनना चाहिए और जो मुस्लिम इलाके हैं उसको एक सेपरेट मुसलमानों के लिए जगह देनी चाहिए। वो हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म का एपिटोम है। हमने गलत समय पे गलत लोगों को आगे इसलिए बढ़ाया है कि हमारी सियासी ज़रूरत है, इसलिए जब सियासी ज़रूरत होगी तो राजीव गांधी की मूर्ति जो है वो पार्लियामेंट के बाहर लग जाएगी, और सियासी ज़रूरत होगी तो सावरकर का तैलचित्र पार्लियामेंट में लग जाएगा, और सियासी ज़रूरत होगी तो धारा 370 हटाने के लिए सुबह से शाम तक घुट्टी पिलाई जाएगी, और सियासी ज़रूरत होगी तो देश का गृहमंत्री पार्लियामेंट में खड़ो के कह देगा कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो जो लोग दो निशान, दो विधान, दो प्रधान की बात कर रहे थे, उसने कौन सी सरकार बनी है आज कश्मीर के अंदर? आज नाम सावरकर का लेने से लोग कतराते हैं, क्योंकि सावरकर का नाम लेने से वोट नहीं मिलेंगे, अब सावरकर वोट नहीं दिलाएंगे, सरकार नहीं चलने देंगे, सावरकर के चाहने वाले ज्यादा हो गए तो इस सरकार से सवाल पूछ लेंगे, तो सावरकर पे चुप हो जाओ। मैं तारीफ करता हूं, मेरे मित्र हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं, राकेश मुदगल जी, इन्होंने 5 साल पहले एक लंबा मेरे साथ काम किया और एक सोसाइटी बनाई, और आर्टिकल 35A इस देश में तमाम हिंदू तंजीमें बड़ा काम कर रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आर्टिकल 35A इस देश के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपने एक एनजीओ बनाई और 19 अगस्त 2014 को देश की सुप्रीम कोर्ट में एचएल दत्तू के सामने वो पीआईएल डाली और 30 सेकंड के अंदर एचएल दत्तू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और आज उस पर सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने कोई 15 या 16 डेट पढ़ चुकी हैं, डेट बढ़ जाती है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड देखिए, डबल स्टैंडर्ड ये है कि जम्मू कश्मीर में एक जॉइंट सरकार है, एक के पास 2 MLA कम है, एक के पास 2 MLA ज़्यादा है, इतना ही फर्क है सिर्फ, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार 44,28,000 रुपया पर हियरिंग 4 बड़े जजों को देती है कि 35A के ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं एक लफ्ज़ बोलना नहीं चाहते हैं, चुप बैठे हुए हैं।